हेलो दोस्तों, मैं कैंडिडेट मास्टर विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग एडवांस गेमबिट का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम गैरी कास्परोव विश्वनाथन आनंद के बीच में जो मैच हुआ था ताल मेमोरियल टूर्नामेंट में 1985 में, उसे देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कास्परोव ने एक शानदार खेल दिखाया और नॉवल्टी के साथ आनंद को जो है इसमें हराया है। और बहुत ही अच्छा गेम है, जिसका जितना एनालिसिस किया जाए कम है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे बिल्कुल लास्ट तक देखें और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। e4 e5 Nf3 Nc6 Bc4 Bc5 b4, ये इवान गैम्बिट है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको हमारे थियोरिटिकल वीडियो और पार्ट 2 में। बिशप इनटू b4 c3 बिशप e7। कुछ समय तक ये लाइन काफी पॉपुलर हुई थी, बट इस गेम के बाद इस लाइन को ज्यादा प्लेयर्स ने नहीं खेला है, क्योंकि कास्परोव ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेम को जीता है। यहाँ पर मेन लाइन बिशप a5 है, तो चलिए गेम की तरफ चलते हैं। बिशप e7 d4 नाइट a5 बिशप e2, ये लाइन को कास्परोव ने रिवाइव किया है, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके पहले यहाँ पर वाइट कुछ इस तरीके से खेला करता था, नाइट इंटू e5 नाइट c4 नाइट इंटू c4 d5 ए इंटू d5 क्वीन इंटू d5, और यहाँ पर ब्लैक जो है कंप्लीट इक्वलिटी अचीव कर लेता है। इसी वजह से ये लाइन काफी खेली जा रही थी, बट गैरी कास्परोव के इस बिशप e2 मूव ने इस पूरी लाइन को रिवाइव कर दिया और वाइट को फिर से इस लाइन में काफी मौके मिलने लगे अटैक करने के लिए। ई इंटू डी फोर क्वीन इंटू डी फोर, ये एक सरप्राइज मूव था आनंद के लिए। आनंद ने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने सोचा था कि वाइट सी इंटू डी फोर खेलेगा और वो d5 करके गेम में इक्वलिटी अचीव कर लेंगे। बट ये क्वीन d4 मूव के बाद ब्लैक को काफी परेशानी होने लगी, क्योंकि अपना नाइट f6 नहीं निकाल पा रहे हैं, नाइट c6 वापस नहीं जा पा रहे हैं। गेम में नाइट f6 ही खेला गया है, बट अगर यहाँ पर ये नाइट c6 खेलते, जो कि शायद थोड़ी अच्छी चाल होती, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लैक अपने एक पॉन को वापस देकर एक्टिविटी अचीव कर सकता है। क्वीन टू g7 बिशप f6 क्वीन g3 d6 ब्लैक नाइट g7 एंड रुक g8 करके वाइट पर काउंटर अटैक कर सकता है। आनंद क्वीन इनटू d4 मूव से सरप्राइज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सिंपल खेलना ही ठीक समझा। नाइट f6 e5 नाइट c6 क्वीन h4, ये सभी नॉर्मल मूव है। नाइट d5 क्वीन g3, देखिए यहाँ पर ब्लैक के पास पॉन एक्स्ट्रा जरूरी है, जरूर है, बट उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैसल करने से बिशप s6 g6 बिशप इंटू f8 बिशप इंटू f8 एंड कैसल, और सिंपली वाइट जो है एक्सचेंज अप हो गया है। ब्लैक ने g6 खेला और उन्होंने सोचा कि बाद में कैसल कर लेंगे, बट इन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया वाइट ने। वाइट ने यहाँ पर जो है कैसल किया नाइट b6, क्योंकि अगर ये यहाँ पर कैसल करते हैं सो रुक d1 आ रहा है। नाइट b6 a4, इस नाइट को यहाँ से डिसलॉज करने की तैयारी है। नाइट a5 बहुत ही अच्छा वेरिएशन है, इसको आप कैलकुलेट भी करते तो बहुत ही अच्छा रहता है। बिशप f6 रुक e8, और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मूव वाइट ने खेली e6, ये बहुत ही शानदार मूव है। देखते हैं इसका आइडिया क्या है। एफ इंटू e6 क्वीन e5, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि g7 से चेकमेट हो रही है और a5 नाइट भी मर रहा है, सो वाइट यहाँ पर क्लियरली विनिंग पोजीशन में आ गया है। इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर नाइट b6 मूव खेला, सो वाइट ने खेला c4। वाइट का प्लानिंग है कि ब्लैक को d5 और d6 न करने दिया जाए, साथ ही साथ फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये c4 पॉन काफी अटैक में काम आने वाला है। ब्लैक अगेन यहाँ पर भी कैसल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिशप s6 रुक e8 नाइट c3 d6 तो रुक a d1
बिशप F5, सो C5, जैसा कि मैंने कहा था कि वो इस सी पोन का यूज करने वाला है। सो आप देखेंगे कि D6 पे काफी प्रेशर है और इसका बचना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर अगेन वाइट के पास इनिशिएटिव है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है एडवांस गेम पार्ट 2 में, क्योंकि जो साइड इनिशिएटिव लेती है उसके जीतने का चांस काफी ज्यादा रहता है, उसे अटैक करने का मौका पहले मिलता है। सो यहाँ पर जो है इन्होंने D6 मूव प्रिफर किया। रुक D1, वाइट देख रहा है कि ब्लैक की क्वीन के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए वो D5 से उस पर अटैक कर रहा है। नाइट D7, बिशप F6, एक बहुत ही अच्छी चाल है। अगर यहाँ पर ब्लैक E5 पोन को मारता है तो उसे काफी परेशानी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर नाइट से इस पोन को मारा ही गया है, बट अगर ये D into E5 करते तो हम देखते हैं क्या होगा। देन वाइट सिंपली नाइट C3 खेलेगा, आइडिया नाइट D5 करने का है फ्यूचर में। बिशप F8, सो बिशप G5, बिशप E7। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाइट नाइट D5 का प्लानिंग कर रहा है, बहुत ही अच्छा वेरिएशन है ये। बिशप इंटू G5, नाइट इंटू G5, कैसल, क्वीन H4, मैटिंग थ्रेट लगाई हुई है यहाँ से। सो इसे बचाने के लिए ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, देखिए नाइट D5 अब हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये ब्लैक के नाइट को F6 नहीं आने दे रहा है। यही गैरी कास्परोव का आइडिया था यहाँ पर। सो H5, बिशप इंटू H5, जब भी आप अटैक करते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आप अपोनेंट के किंग का जो पॉन का कवर है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकें। और यहाँ पर देखिए वाइट को बहुत ही अच्छा अटैक मिल रहा है, G into H5, Queen into H5, और ये क्लियरली विनिंग पोजीशन है। यहाँ पर Bishop to H5 के बाद ब्लैक किंग G7 भी खेल सकता था, बट स्टिल वाइट विनिंग हो रहा है। Bishop into G6, एक और बेहतरीन मूव, और Queen H7 से मैट की तैयारी कर रहा है, इसलिए इन्होंने खेला Rook H8, Queen G3। अगर ये G6 बिशप को मारते हैं F into G6, देन Knight E6 चेक, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वीन पर और किंग पर नाइट वॉक लग चुका है। इसलिए गेम में इन्होंने नाइट C into E5 खेला। सो वाइट ने Knight into E5, Knight into E5, Knight C3। वाइट का प्लानिंग बहुत ही सिंपल है कि वो अपने सारे पीसेस को निकाल रहा है और ब्लैक के किंग को कैसल नहीं करने दे रहा है। सो ब्लैक ने यहाँ पर F6 खेला, इन्होंने सोचा कि किंग के लिए F7 और नाइट के लिए F7 स्क्वायर विकेट कर लिया जाए, जब इन्हें जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर सकते हैं। तो C5, D6 पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया यहाँ पर वाइट ने, नाइट F7, बट ये थोड़ी सी अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ने सोचा था कि शायद वो कैसल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिशप G7 पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज रुक G8 से ये बिशप यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। सो ये ब्लैक का प्लानिंग था। व्हाइट ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चाल खेली, C into D6। यहाँ पर ब्लैक के पास Knight into S7 करने का मौका नहीं है, क्योंकि D into C7 के बाद क्वीन के पास कोई रास्ता नहीं है। सो इन्हें अपना पीस वापस देना पड़ेगा, और इनकी किंग की पोजीशन अभी भी काफी खराब। अगर ये यहाँ पर C into D6 के बाद Bishop into D6 करते हैं, तब भी वाइट के पास बहुत बढ़िया चांस है। Bishop B5 चेक, C6, Bishop F4, गुड मूव है ये। और देखिए अगेन ब्लैक के किंग को प्रेशर में डाला जा रहा है, C into B5, Bishop into D6, Knight into D6। अगर आप इस गेम को बहुत ध्यान से देखें तो आपको अपने कैलकुलेशन इंप्रूव करने का यहाँ पे काफी मौका है, क्योंकि काफी लंबे लंबे वेरिएशन सोचे हैं गैरी कास्परोव ने, और यहाँ पर इस गेम के थ्रू आप अपने कैलकुलेशन एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो Rook into D6, Queen A5, Rook E1, देखिए यहाँ पे काफी सारे टेक्टिकल शॉट आ रहे हैं, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। King F6, Rook into F6, बहुत ही बढ़िया चाल। King F6, Knight D5 चेक, King G7, Rook E7, King G8 एंड Queen E5, और G7 से मैच को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर में ब्लैक की मैट होना एकदम तय है, अगर ये क्वीन सेक्रीफाइस करके थोड़ी देर बचा भी लें तो भी इनकी चेकमेट हो जाएगी। इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर C into D6 खेला, व्हाइट ने सिंपल मूव खेली क्वीन E3,
बिशप को प्रोटेक्ट कर लिया, नाइट इनटू f6, क्वीन इनटू f6, बिशप f8, क्वीन e3 चेक अगेन। यहाँ पर अगर ये क्वीन e7 करके चेक बचाते सो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि नाइट e4 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि f6 एंड d6 दोनों पॉन जो है यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि क्वीन पिन है। सो अगर ये क्वीन e5 खेलेंगे सो नाइट इनटू f6, किंग f7, नाइट e4, बिशप e7, देन f4। अगेन वाइट को काफी अटैक मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक का किंग अभी भी बहुत ही खराब पोजीशन में है। सो इसीलिए क्वीन e3 चेक पर इन्होंने सिंपली किंग f7 मूव कर लिया। हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले इन्होंने f6 मूव चला था, उसका आइडिया यही था कि जरूरत पड़ने पर ये किंग को f7 ले जा सकते हैं। वाइट ने यहाँ पर नाइट d5 खेला, बहुत ही अच्छा स्क्वायर है इस नाइट के लिए, और आप देखेंगे साथ ही ये नाइट यहाँ पर आउटपोस्टेड है, कोई भी ब्लैक का पॉन इसको यहाँ से हटा नहीं सकता है। बिशप e6, सो नाइट f4, इस डायगोनल को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है वाइट। क्वीन e7, रुक e1, यहीं पर आनंद ने रिजाइन कर दिया। बट हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्यों रिजाइन किया। उसका रीजन है कि अगर ये अपने बिशप को बचाते हैं लाइक बिशप d7, सो वाइट कैन प्ले बिशप c4, किंग e8 एंड क्वीन d2। आप देखेंगे कि ब्लैक की क्वीन ही यहाँ पर पिन हो गई है और ये मरने वाली है। कुछ और ऑप्शन भी अगर यहाँ पर ब्लैक ट्राई करे तो भी इनका बचना मुश्किल है, जैसे कि क्वीन d7 अगर ये यहाँ पर करें, सो बिशप b5 एक बहुत ही गुड मूव आ रहा है। क्वीन टू b5, क्वीन e6, किंग g7, देन रुक ae1। देखिए लास्ट पीस भी अटैक में आ गया। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप अटैक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सारे पीसेस को आप जो अटैक में ला पाएं। सो क्वीन f5, रुक इनटू b7, किंग s6, क्वीन इनटू f5, जी इनटू f5, सभी नॉर्मल मूव है। अब व्हाइट ने यहां पर फिर अपने अटैक को इंक्रीज किया बाय प्लेइंग रुक e3, और ये पोजीशन व्हाइट के लिए क्लियरली बेटर है। थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि ब्लैक का किंग यहाँ पे कॉर्नर में फंसा हुआ है, तो थोड़ी देर में चेकमेट भी हो सकती है। एक और मूव आपके मन में आया होगा कि क्यों नहीं ब्लैक ने यहाँ पर रुक e8 करके सिंपली अपने बिशप को प्रोटेक्ट कर लिया, बट यहाँ पर ये भी सफिशियंट नहीं है। देखते हैं कि कैसे हो रहा है। नाइट इनटू e6, क्वीन इनटू e6, क्वीन इनटू e6, किंग इनटू e6, देन बिशप b5 चेक। अगर यहाँ पे आप किंग इनटू e6 की जगह रुक इनटू e6 करते हैं तो भी वाइट इस रुक को पिन कर लेगा बाय प्लेइंग बिशप c4 और गेम में आसानी से जीत जाएगा। सो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।